IBS की सारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। Devinder, tell me about yourself. Sir, my name is Devinder Singh. I am from Chandigarh. I have done my graduation in Electronics and Communication Engineering. After that, I got a job in Inference Method Accelerated, where I spent 1 year and 8 months. After that, I am pursuing for banking career. And my father, Shri Rajinder Singh, owns a food corner in Mohali. My mother, Shrimati Deepa Devi, is a housewife, and I have a younger brother who is doing BSc HMT. BSc? HMT, Hotel Management. Hotel Management. Okay. And apart from this, my hobbies are watching movies, cooking, and I love to listen to songs. Watching movies, concerts. All kind of movies, Hollywood, Bollywood. कौन सी favourite पसंद है? कौन सी? Favourite sir, Bollywood में मेरे को दृश्यम अच्छी लगती है. दृश्यम. तो आप mainly जो कैसी movies देखना पसंद करते हैं? Action, thriller. All kind of sir. All kind of movies. Action, thriller. और Bollywood, Hollywood में कोई favourite movie? हॉलीवुड में एक अमेरिकन स्नाइपर एक मूवी है, अमेरिकन स्नाइपर, ब्रैडली कूपर की, वो अच्छी है. दृश्यम का डायरेक्टर कौन है? सो इतनी सर नॉलेज है. डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, म्यूजिक, एक्टर बोलते हैं, म्यूजिक एक्टर, एक्ट्रेस, एक्ट्रेस कौन है? एक्ट्रेस का नाम नहीं बता रहा, स्ट्रेस रिलीव करने के लिए देखता हूँ नॉलेज. तो जिस चीज़ के बारे में जो फेवरेट मूवी है उसकी नॉलेज नहीं है, उसकी तो नॉलेज नहीं है. एक्ट्रेस, एक्ट्रेस भी नहीं पता. एक्ट्रेस सर आइडिया नहीं. उस मूवी में उस लड़की का नाम क्या है जिसके ऊपर बनी है? लड़की का नाम क्या है? अजय देवगन का नाम क्या था? कब बनी थी, कौन से ईयर में आई है? 2013. 13? तो आइडिया नहीं, आइडिया तो लेके आना चाहिए आइडिया आपको, बिना आइडिया के आया. ऐसे कौन सी मूवी है जो आपको फेवरेट है और उसके बारे में? कॉन्सेप्ट अच्छा था उसका. कॉन्सेप्ट अच्छा है? कॉन्सेप्ट तो मैंने पूछा नहीं, बाकी चीज़ें पूछी. क्या करना चाहते हो आप? क्या करना चाहते हैं लाइफ में? सर अभी फ़िलहाल तो मेरा एक ही एम है कि मैं बैंकिंग सेक्टर में ज्वाइन करूँगा, बैंकिंग सेक्टर. तो अभी मेरा फ़िलहाल, फिलहाल उसके बाद, उसके बाद सर मेरा एम होगा कि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करता हूँ वहाँ पे जो इंटरनल प्रमोशन होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं, उनको क्लियर करूँ, उसी ऑर्गेनाइजेशन में मतलब एक हायर मैनेजमेंट लेवल तक जाऊँ. हायर मैनेजमेंट कहाँ तक पहुँचना चाहते हो? सर एज ए पीओ अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो मैं चेयरमैन लेवल तक भी जा सकता हूँ. इंटरनल प्रमोशन चेयरमैन तक? नहीं नहीं सर, चेयरमैन एग्जाम्पल लेके आए हो साथ? कहाँ, क्या एग्जाम्पल? SBI के जो चेयरमैन थे पिछले अरुंधति भट्टाचार्य, वो ही, उन्होंने भी एज PO ज्वाइन करा था बैंक. अब वो चेंज होगी? अब चेंज होगी. क्या कौन बनाया अभी? रजनीश कुमार. रजनीश कुमार CMD? चेयरमैन. चेयरमैन या मैनेजिंग डायरेक्टर? मैनेजिंग डायरेक्टर सर SBI के तो चार होते हैं, चार मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं SBI के. चार मैनेजिंग डायरेक्टर SBI के. अच्छा, और चेयरमैन कौन है? चेयरमैन रजनीश कुमार. रजनीश कुमार, श्योर? यस सर. ओके, ठीक है. तो आपने BOB क्यों चूज़ किया धर्मेंद्र सर? BOB सर वन ऑफ द लीडिंग बैंक है हमारा इंडिया में, तो इसकी ओवरसीज ब्रांचेज भी काफ़ी अच्छी हैं. अच्छा बैंक है, ग्रोइंग, ग्रोथ अच्छी है इसमें, वर्क इन्वायरमेंट अच्छा है, तो इसलिए मैंने बैंक को प्रॉब्लम है. पहले कभी बैंक, बैंक का कोई एग्ज़ाम दिया सर? दिए हैं, लास्ट 2 ईयर्स में बैंक एग्ज़ाम दे रहा हूँ और इसी में प्रोसीड करना चाहता हूँ अपना करियर. SSC का एग्ज़ाम नहीं दिया?
उत्तराखंड का नहीं सर, वो उसमें सर प्रोसेस बहुत लेंथी होता है और फाइनल पता भी नहीं होता सिलेक्शन होगी कि नहीं, मतलब ज्वाइनिंग होगी कि नहीं, कभी कोई प्रॉब्लम। आपने ग्रेजुएशन में तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन पढ़ा है जी, ECE BTech, तो उसके बाद बैंकिंग में कहाँ लिंक जुड़ गया सर? ग्रेजुएशन के बाद मैंने सर जॉब करी है, टेक्निकल फील्ड थी मेरी, तो उसमें हम जो करेंसी चेस्ट होती है बैंक की उनमें हम सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, तो वहाँ से मेरे लिंक्स काफ़ी मतलब बैंकर्स के साथ बने और मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो जिन्होंने एज अ बैंकर ज्वाइन कराया तो उन्होंने मुझे गाइड करा आगे। फिर वैसे तो मेरा कोई स्टार्टिंग से वो नहीं था ऑप्शन कि हाँ मैं बैंकिंग में जाऊँगा, बट फिर जब मैं जॉब कर रहा था तो घर में कुछ प्रॉब्लम आ गई, मुझे जॉब छोड़नी पड़ी, तो उसके बाद उन मेरे फ्रेंड्स थे जो बैंकर्स थे और तो उन्होंने मुझे गाइड करा कि आपको इसमें जाना चाहिए, फिर सर मैंने परस्यू, जब मैं स्टार्टिंग ज्वाइनिंग मतलब तैयारी स्टार्ट करी तो मेरा इंटरेस्ट भी बनने लग गया बैंकिंग में। हाँ मुझे लगा किसी के इन्फ्लुएंस के अंडर आ जाते हैं बड़ी जल्दी। नहीं सर नहीं मैम ऐसी बात नहीं है, मैं जब स्टार्टिंग मैंने ज्वाइन करा था तो मुझे लगा कि हाँ सब्जेक्ट्स थे जो मैथ रीजनिंग तो अच्छा था मेरा, उसमें कमांड अच्छा था, तो मुझे फिर मैंने बैंकिंग स्टार्ट करी पढ़नी तो मुझे लगा ये मैं उसमें कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं अपना करियर। तो उसको बीटेक का क्या करोगे? ECE का 4 साल तो वेस्ट गया सर? ऐसा नहीं है कि वेस्ट हो गया, क्योंकि मैंने जब जब मैंने बीटेक करी है तो उसमें आगे फिर मैंने जब जॉब करी है अपने टेक्निकल फील्ड में तो मुझे पता है कि हाँ बैंकिंग किस तरह से काम करती है, और 2 साल का एक्सपीरियंस जो मेरे पास है उसमें मुझे बेनिफिट हुआ है वो बीटेक की वजह से हुआ है, तो जो मैं वहाँ से मैंने गेन करा तो वो मैं बैंकिंग में अपना यूज़ करूँगा। क्या गेम किया? जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं सर्विस सेक्टर में था तो मुझे हैंडल करना पड़ता था कस्टमर को, जैसे कहीं कंप्लेंट आ गई तो उनको हैंडल करना, टीम वर्क एज अ टीम वर्क भी हमने अच्छा करा। फॉर एग्जांपल एक सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक है हरियाणा में, तो उसकी हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट आया था कि 20 मशीन्स लगा दी, तो उसमें हमारे पास 4 पर्सन का ग्रुप बनाया था, तो उसको मैंने लीड करा था कि हमने किस तरह से मतलब ऑर्गेनाइज करना है, कहाँ से कैब बुक करके कहाँ से मशीन लेके जानी है वो सब करना, तो मेरे को लगता है वो टीम। तो आपको प्राइवेट कंपनी ज़्यादा पसंद है या गवर्नमेंट कंपनी ज़्यादा? सर मेरे को अभी फिलहाल मेरे को गवर्नमेंट कंपनी प्राइवेट में अभी मैं अभी फिलहाल प्राइवेट या गवर्नमेंट फिलहाल सर फिलहाल मुझे गवर्नमेंट कंपनी गवर्नमेंट में जाना है हमेशा तो नहीं, जैसे मतलब कि जब से मैंने जॉब छोड़ी है तो उसमें ग्रोथ मेरे को लगा कि कम है प्राइवेट कंपनीज में, और बैंक ग्रोथ तो बहुत है सर उसमें किसी किसी कंपनी में होती है, बट जिस फील्ड में मैं था कोर सेक्टर में तो वहाँ पे थोड़ा मुझे लगा कि ग्रोथ की कमी है। और पेप्सिको की वो चेयरमैन जो ये इंदर नोई अभी तो नहीं है, चेंज हो गया तो उसका पैकेज कितना था? 100 करोड़ पैकेज, मोस्ट पावरफुल वुमेन इन द वर्ल्ड सर। जो जिस कंपनी में था मुझे लगा ग्रोथ कम है, फिर और कहीं और चले जाते, चेंज हो सकती है। एक्चुअली मैंने 1.5 साल जॉब करी तो वो सर्विस लाइन, फिर मुझे ऑप्शंस कम थे इसमें स्विच करने के लिए, इतनी ज़्यादा अच्छी कंपनी थी। व्हाई नॉट प्राइवेट बैंक्स? मैम एक्चुअली प्राइवेट बैंक्स में मेरे को लगता है कि वहाँ पे वर्क एनवायरनमेंट थोड़ा मतलब ज़्यादा प्रेशर होता है, यहाँ भी होगा प्रेशर तो यहाँ भी होगा वो तो, बट मेरे को लगता है प्राइवेट बैंक में ज़्यादा होता है ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, मतलब स्टार्टिंग में इतनी अच्छी नहीं है, स्टार्टिंग में एज अ स्टार्ट करियर स्टार्ट करने के लिए प्राइवेट बैंक से अच्छा उनकी सर एज एलिजिबिलिटी होती है 25 ईयर्स से लेस होनी चाहिए, मेरी 25 ओवर है तो इसलिए मैं उसके लिए उसमें दे सकते हो, उसमें एलिजिबल हो सकते हो ना? पता नहीं उसका देना चाहिए। ICICI बैंक का लिखा था 25 थी उसमें, HDFC में दिखा। एक्सिस बैंक प्राइवेट बैंक है गवर्नमेंट बैंक है? प्राइवेट। आपकी वीकनेस? मेरी वीकनेस ये है कि सर मैं उतना फ्लुएंट नहीं इंग्लिश में जितना मुझे होना चाहिए, और मैं समझता हूँ मेरी तरह से वीकनेस है, इसको ओवरकम करने के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट कर सकूँ। कौन से लोग हमसे इंटरेक्ट करते हैं? कोई भी सर, इन स्ट्रेंजर्स जैसे स्ट्रेंजर्स हो गए जो नॉन में, उनसे भी स्ट्रेंजर्स कैसे स्ट्रेंजर्स
सर फॉर एग्जांपल हमारी शॉप है फूड कॉर्नर वहाँ पे फेस फाइव मोहाली में, तो वहाँ पे आते हैं तो उनसे खुद ही बात करना शुरू कर देते हो। अगर कोई हमसे बात करता है तो हमसे ट्राई करता हूँ कि मैं उनसे भी इंग्लिश में बात कर सकूँ। अगर वो हिंदी में कर रहे तो हिंदी में, ज़्यादातर कश्मीर हिंदी में करते हैं, कोई एक पता हो जाता पंजाब में आकर मोहाली में तो पंजाबी में करते हो। एक्चुअली सर वहाँ पे मोहाली में हिंदी में बोलते हैं ऑलमोस्ट सारे, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्री एरिया है तो वहाँ पे सारे बाकी होते लोकल्स बहुत कम होते हैं। और फूड जॉइंट को आगे बढ़ा लो, चेन खोल लो। सर वो मैं कर रहा हूँ अपने डैडी के साथ, उनकी हेल्प एक तरह से, मतलब मैं शाम को जाता हूँ और उनकी हेल्प भी कर रहा हूँ, 2 साल हो गए हैं तो इसलिए मुझे लगता है कि वो फादर कर रहे हैं, वो अपना अलग से कर रहे हैं, मेरे को उतना सिक्योर नहीं लगता। पोस्टिंग अगर आपको बाहर मिल जाती फिर तो आप फादर की हेल्प भी नहीं कर पाएंगे? नो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। मैंने जब बैंक ऑफ बड़ौदा एग्ज़ाम भरा था इसका मतलब मुझे पता होगा कि पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है ऑल ओवर इंडिया, तो इसलिए अप्लाई करा है। कोई और पेपर क्लियर हुआ? SBI क्लर्क भी हुआ सर। IBPS का भी क्लियर नहीं हो पाया? IBPS सर लास्ट ईयर हुआ था इंटरव्यू में। कब पास आउट किया आपने? EC 2014। 2014 उसके बाद 1 साल जॉब की है? 2 साल। 1 साल 8 महीने। डैडी का एक्सीडेंट हो गया था तो छोड़नी पड़ी थी, तो 2 साल हो गए 2016। तो फिर 2 साल आपने तैयारी करी? हाँ जी, फिर 2016 में स्टार्ट करा था मैंने तैयारी करना। सेल्फ की है कहीं से की? इंस्टीट्यूट से करी है। IBS मॉडल क्या है? फुल फॉर्म IBS मॉडल? सॉरी, हु इज द ओनर ऑफ IBS मॉडल? हम 3 डायरेक्टर्स हैं, राहुल देव सर, अजय ग्लोरिया सर एंड राजीव सर। कब एस्टेब्लिश हुआ? एग्जैक्टली मतलब शायद 2008 में स्टार्ट हुआ। मतलब कोचिंग की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? मैम वो तो इंस्टीट्यूट में जाने के बाद स्ट्रॉन्ग हो गया जब तक पहले नहीं था। पहले सर था बट बैंकिंग में जो मैथ आता है वो अलग चीज़ है और जो हमें पढ़ाया जाता है वो अलग चीज़ है। कॉन्सेप्ट प्लस माइनस मल्टीप्लाई वो सर कॉन्सेप्ट कुछ होते हैं, टाइम एंड वर्क हमारे पास वो हमें स्कूल में नहीं कराया जाता तो, और शॉर्टकट्स होते हैं थोड़े बहुत तो इसलिए पजल्स हमें कभी स्कूल में नहीं कराते। आपको ये जॉब क्यों चाहिए? बिकॉज मैम मेरे को बैंकिंग फील्ड में जाना है और मुझे लगता है कि ये एक ग्रोइंग सेक्टर है, सोशल स्टेटस अच्छा मिलता है और यहाँ पे अगर आप अगर पूरी मेहनत से काम करोगे और अंदर इंटरनल प्रमोशंस होती हैं, एक्सरसाइज होती हैं, इंटरव्यूज होते हैं तो उसमें आप बहुत अच्छे लेवल तक रिटायरमेंट के टाइम तक बहुत अच्छे लेवल पर जाओगे। तो आपको लगता है ये जॉब मिल जाएगी आपको? सर कैसे लगता है? सर मैं कॉन्फिडेंट हूँ, पिछले साल मैंने एग्ज़ाम दिए थे तो मेरे में कुछ कमियाँ रह गई थी तो मैंने उन्हें ओवरकम करा, अपने सब्जेक्ट्स पे थोड़ा काम करा तो मुझे लगता है कि इस बार मिल गया। आपने जो चाहिए था रिक्वायर्ड था उतना एफर्ट किया? अपनी तरफ से मैंने सर फुल एफर्ट किया, अगर मेरा नहीं होता तो मैं देखूँगा मैं कहाँ पर कम रह गया हूँ। तो हमने तो नहीं होता तो बोला ही नहीं हमने। नहीं सर मैं बता रहा हूँ कि जैसे अगर मतलब कहीं पर अगर वैसे तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि हो जाएगा। ठीक चलो ठीक है, थैंक यू। IBS की सारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन